हाय फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर पर। सो फ्रेंड, आज वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टाइटल थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया है कि रॉयल एनफील्ड जो रिबन मॉडल है उसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल होने जा रहा है। एग्जॉस्ट कौन सा एग्जॉस्ट, वो तो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। बिल्कुल न्यू बाइक है, उसमें एग्जॉस्ट एंड उसके साथ जो कैथलिट कॉन्वर्टर है वो भी इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद कैसा साउंड निकल के आ रहा है, सारे चीज़ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड कैथलिट कॉन्वर्टर मतलब जो एग्जॉस्ट के पहले मतलब एग्जॉस्ट जहाँ पर से इंस्टॉल होता है उधर साइड पे एक चीज रहता है, वो निकाल के कंपनी वाला निकाल के कैथलिट कॉन्वर्टर उसको बोलते हैं, उसको निकाल के जो आफ्टर मार्केट वाला कैथलिट कॉन्वर्टर होता है वही इंस्टॉल होगा। सो उसके बाद ही एग्जॉस्ट इंस्टॉल होगा। देन आवाज जो है बाइक का जो साउंड वो काफी ज्यादा लाउड होगा। आप तो वीडियो को देखो पूरा, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा सारे चीज। अगर आप एग्जॉस्ट इंस्टॉल करना चाहते हो, आवाज ज्यादा आपको चाहिए, तो भाई कैथलिट कॉन्वर्टर जरूर इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही बढ़िया आवाज होगा। एंड सिप एग्जॉस्ट में थोड़ा कम आपको साउंड देखने को मिलेगा। सो उसके वजह से बोल रहा हूँ। सो चलो अब वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, अभी सीधा मिलता हूँ बाइक के पास। गाइस, अभी रिबन का जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो अभी खोलने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो गाइस, पहले एग्जॉस्ट खोलने के पहले ऊपर का जो कवर होता है एग्जॉस्ट के ऊपर में वो खुल रहा है, देन उसके बाद ही एग्जॉस्ट खुल पाएगा। सो आप देख सकते हो मेरे ही शॉप पे जो ओनर है वो भी आप देख सकते हो बैठा हुआ है। चलो अभी ये जो ऊपर का कवर है एग्जॉस्ट के ऊपर का, सो इसको खोलने देते हैं। गाइस देख सकते हैं अभी एग्जॉस्ट के ऊपर का कवर खुल चुका है। एंड देन उसके बाद अभी साइलेंसर को खोल रहा है। साइलेंसर खोलने के बाद जो कैथलिट कन्वर्टर है उसको आई थिंक कैथलिट कन्वर्टर ही बोलते हैं, मेरे को उतना ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। जो भी है वो भी खुलेगा एग्जॉस्ट खोलने के बाद। सो गाइस अभी अब देखो, अभी एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ उसके पहले कि स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है, देन उसके बाद आपको दूसरे वाला एग्जॉस्ट का साउंड सुनाऊंगा। मिनी पंजाब का साउंड सुनाऊंगा एंड लॉन्ग पंजाब का साउंड सुनाऊंगा। आप सुनो गाइस पहले स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड। स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड गाइस आपको सुना दिया हूँ, आपको तो पता चल गया है कि कैसा साउंड है स्टॉक एग्जॉस्ट का। एंड जो न्यू वाला जो एग्जॉस्ट इंस्टॉल होगा इसमें लॉन्ग पंजाब एंड मिनी पंजाब, सो दोनों का साउंड कैसा है वो भी आपको सुनाऊंगा। इसमें लॉन्ग पंजाब नहीं तो मिनी पंजाब इंस्टॉल होगा, मतलब दोनों का कंपैरिजन में जो अच्छा लगेगा ओनर को वही इंस्टॉल करेगा। सो चलो अभी एग्जॉस्ट को खोलने देते हैं। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो अभी कैथलिट कॉन्वर्टर जो है वो उसका बॉक्स भी आपको दिखा दे रहा हूँ, सेमटा कंपनी का है। एंड बॉक्स के अंदर कैसा कैथलिट कॉन्वर्टर है वो भी एक बार आप देख सकते हो, आपको दिखा दे रहा हूँ गाइस। एंड जो कंपनी का स्टॉक वाला जो है कैथलिट कॉन्वर्टर वो अभी खुल चुका है मैकेनिक ने, सो उसको अभी साइड में रखते हैं। एंड देन जो आफ्टर मार्केट वाला कॉन्वर्टर है सो उसको इंस्टॉल करने देते हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट इंस्टॉल होगा, पहले लॉन्ग पंजाब इंस्टॉल होगा, उसका साउंड सुनाऊंगा, देन उसके बाद आपको सुनाऊंगा मिनी पंजाब का साउंड। सो आप गाइस अभी इसको इंस्टॉल होने देते हैं, देन आपको साउंड सुनाता हूँ, आप सुनो। गाइस पहले आपको लॉन्ग पंजाब का साउंड सुनाता हूँ, आप सुनो, देन उसके बाद आपको शॉर्ट पंजाब जो कि मिनी पंजाब है मिनी पंजाब का साउंड सुनाऊंगा। आप पहले लॉन्ग पंजाब का साउंड सुनो गाइस। गाइस लॉन्ग पंजाब का साउंड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एंड अभी देखते हैं शॉर्ट पंजाब का साउंड कैसा है, सो ये भी आपको सुना देता हूँ, आप सुनो कैसा इसका साउंड है शॉर्ट पंजाब का। एंड हाँ, इसमें गाइस कैथलिट कॉन्वर्टर इंस्टॉल होके रखा है जो कि आफ्टर मार्केट वाला है, उसके वजह से इतना ज़्यादा साउंड दे रहा है। BS6 न्यू रिबन है, 350 क्लासिक 350 रिबन मॉडल है, न्यू है, बिल्कुल नंबर प्लेट भी नहीं हुआ है इस बाइक का। सो आप समझ सकते हो उसमें इतना लाउड हो रहा है इसका एग्जॉस्ट साउंड। सो आप सुनो मिनी पंजाब का साउंड, उसके बाद मिलता हूँ आपके साथ।
सो गाइस मिनी पंजाब का जो साउंड है वो आपको सुना दिया हूँ, काफ़ी ज़्यादा लाउड है एज़ कम्पेयर टू जो लॉन्ग पंजाब मैं पहले दिखाया हूँ, इसके पहले उससे अगर कंपेयर करा जाए तो मेरे को ये ज़्यादा लाउड लगा एंड इसका जो साउंड है ये थोड़ा सा मेरे को लॉन्ग पंजाब से इसका साउंड ज़्यादा अच्छा लगा। एक बार गाइस आपको विदाउट एग्जॉस्ट का जो साउंड है रिबॉन का वो एक बार आपको सुना देता हूँ, गाइस आप सुनो कैसा है। विदाउट एग्जॉस्ट का साउंड भी आपको सुना दिया हो, कैसा लगा कमेंट करके बोल सकते हो। सोचा कि एक बार आपको सुना देता हूँ, जो ओनर है उसको भी ये मिनी पंजाब का साउंड ज़्यादा अच्छा लगा, सो उसके वजह से यही फिक्स कर दिया, मतलब आप बोल सकते हो यही इंस्टॉल करने के लिए बोला है। सो मिनी पंजाब भी इस बाइक में अभी इंस्टॉल होगा, जैसे कि आप गाइस देख पा रहे हो जो मिनी पंजाब है वो एग्जॉस्ट अभी इंस्टॉल करने का प्रोसेस चल रहा है, मैकेनिक ने कर रहा है। सो चलो इसको होने देते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा रोड पर भी चलाते हुए आपको दिखाऊँगा, जो ओनर है वो चलाएगा अब उस टाइम आपको दिखाऊँगा। एंड कौन सा कंपनी का है गाइस ये भी आप देख सकते हो, एच के कंपनी का है, ओल्ड इज गोल्ड, यहाँ पर एग्जॉस्ट पर आपको लिखा देखने को मिल जाएगा। ये जो कंपनी है आई थिंक मेरे हिसाब से भाई सही है, आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे शॉप पे सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, अगर कुछ भी इंक्वायरी है तो कॉल करके पूछ सकते हो गाइस। सो अभी आप सुन सकते हो और एक बार आपको साउंड सुना रहा हो गाइस, आप सुनो। गैस एग्जॉस्ट इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था सारे चीज़ कंप्लीट हो गया है, कन्वर्टर भी इंस्टॉल हो गया है, कैथलिक कन्वर्टर, एंड अभी इंस्टॉल हो रहा है इस बाइक में जो D95 आप बोल सकते हो कंपनी ने जैसा हॉर्न देता है वैसा ही सेम हॉर्न और एक इंस्टॉल हो रहा है इस बाइक में, उसका आपको प्राइस पड़ेगा मेरे शॉप पे 300 रुपीज़, एंड एक स्टिक इंस्टॉल हुआ है फ्रंट पे एलॉय व्हील के साइड पे उसका प्राइस आपको पड़ेगा 200 रुपीज़, ये एक्स्ट्रा ऐड किया है, नहीं तो एग्जॉस्ट का जो प्राइस है वो आपको बाद में बता देता हूँ। मेरे ही शॉप से सारे चीज़ हो रहा है, आप देख सकते हो इस राइडर लिखा हुआ है, शॉप का बाहर का एक बार व्यू आपको दिखा दिया हूँ गाइस। सो चलो होने देते उसके बाद आपके साथ मिलता हूँ। सारी चीज़ आपको दिखा दिया हो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी बात कर लेते हैं प्राइस को लेके, जो एग्जॉस्ट इंस्टॉल होके रखा है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ गाइस, ऐसा एग्जॉस्ट इंस्टॉल हुआ है, मतलब यही एग्जॉस्ट इंस्टॉल हुआ है, एच के कंपनी का है, एच के का जो मिनी पंजाब होता है मिनी पंजाब एग्जॉस्ट इंस्टॉल हुआ है उस बाइक में रिबॉन में, एंड उसके साथ कैथलिक कन्वर्टर भी इंस्टॉल हुआ है। जो एग्जॉस्ट का प्राइस है इस कंपनी का एच के कंपनी का, सो उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1800 रुपीज़ उसका प्राइस पड़ेगा एग्जॉस्ट का, एंड जो कैथलिक कन्वर्टर है उसका प्राइस आपको पड़ेगा 600 रुपीज़, टोटल मिला के आप बोल सकते हो 2400 रुपीज़ में पूरा काम कंप्लीट हो गया है। एंड 100 रुपीज़ के आसपास, 50 रुपीज़ के आसपास मैकेनिक चार्ज था, सो ये चीज़ भी आपको बता दिया, उसके साथ इंक्लूड कर सकते हो, मतलब 2450 रुपीज़ में सारा काम कंप्लीट हो गया है। एंड कैसा एग्जॉस्ट का साउंड हुआ है वो तो आप देख लिए हो, काफ़ी ज़्यादा लाउड हुआ है, मैं जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा लाउड हुआ है, मतलब BS2 BS3 के जैसा साउंड दे रहा था। सो बस यही था गाइस वीडियो कैसा लगा जोर से कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो जोर से सब्सक्राइब कर देना, माय चैनल पर इस राइडर पर। सो भाई मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया वीडियो लेकर आपके पास, एंड हाँ किसी भी बाइक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, एंड मेरा शॉप का जो लोकेशन वगैरह है सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, ऑनलाइन डिलीवरी भी अवेलेबल है। ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि COD अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अगर पैसा पेमेंट कर दोगे तो भाई माल चला जाएगा आपके एड्रेस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है वहाँ पर कॉल करके मॉडिफिकेशन रिलेटेड किसी भी बाइक का कुछ भी चीज़ अगर आपको लेना है तो भाई कॉल कर सकते हो। सो चलो यहाँ पर वीडियो को एंड करो, बाय, हैप्पी गुड डे गाइस, बाय।